नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें प्रमोटर्स खुद अपने कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं, तो ऐसे में इस स्टॉक में आपको काफी तेजी देखने मिल रहा है। स्टॉक जो एक दिन में आप देख सकते हैं कि 10% तक की तेजी इसमें देखने मिला था, बाद में थोड़ी सी गिरावट आई इस स्टॉक में, जिस कारण जो इसका क्लोजिंग प्राइस है शेयर का वो लगभग 162 रुपीज है। तो इस शेयर के पीछे तेजी क्या वजह है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि BSE NSE बल्क डिस वेदांता होल्डिंग्स मॉरिसस बाय ओवर 18 करोड़ शेयर्स ऑफ वेदांता। 18 करोड़ शेयर्स जो है वेदांता का जो मॉरिसस का होल्डिंग कंपनी है उन्होंने बाय किया है, जिसके कारण शेयर प्राइस पे काफी तेजी देखने मिला। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि वेदांता जो होल्डिंग्स है 7.35 करोड़ बाय किया बल्क डील में NSE पे और 11.14 करोड़ शेयर्स बाय किया वेदांता का BSE पे। तो इस तरह से वेदांता में काफ़ी ज़्यादा मतलब तेजी आपको देखने मिला। तो दोस्तों ऐसी कंपनियां आपको हमने ये इस कंपनी के बारे में 60 रुपीज़ जब शेयर का प्राइस आया था गिरावट में, पैंडेमिक का गिरावट, उसी समय बोला था कि ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है और एक बेहतरीन रिटर्न देगा। उस समय इसका डिलिस्टिंग का प्रोसेस भी आया था जिसमें मैंने भी अपना शेयर नहीं दिया था। तो दोस्तों देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी कंपनी है और अच्छा खासा ये डिविडेंड भी दे करती है, और जो ये कंपनी है वो आता है एक साइकिल में, एक डाउन ट्रेंड साइकिल और एक अप साइकिल। अभी जो कंपनी था डाउन ट्रेंड में था जब इस पे पैंडमिक आया था उस समय था, उसके बाद ये अभी ट्रेंड रिवर्सल का साइन कंप्लीट रूप से दे चुका है, और जो ट्रेंड रिवर्सल आता है इस सेक्टर में तो शेयर का प्राइस जो है काफी ऊपर तक जाता है। तो दोस्तों अभी आप इसके टेक्निकल चार्ट पर आपको दिखाते हैं कि शेयर में काफी तेजी है और हो सकता है यह शेयर फिर से 300 रुपीज या 400 तक जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमने जीरोधा अपना चार्ट ओपन किया। अगर अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये इंडिया का नंबर वन ब्रोकर है जहां पर आपको इंट्राडे में 20 रुपीज पर ट्रेड और डिलीवरी में कोई चार्ज नहीं लगता है। साथ ही साथ आपके हमारे सारे सपोर्ट्स आपको मिलेंगे जो भी हम अपने पेड यूजर्स को देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहां पर देखिए चार्ट में तो ये अपना लो बनाया था, यहां पर देखते हैं 60 रुपीज के आसपास जो पैंडमिक में गिरावट था, वहां से जैसे ही अब ट्रेंड में आया तो यहां पर डिलिस्टिंग का प्रोसेस आया। डिलिस्टिंग काफी ज्यादा मतलब बात की जा रही थी कि 200 रुपीज के एवर प्राइस पे स्टॉक लिस्ट होगा, लेकिन डिलिस्टिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे डिलिस्टिंग सक्सेसफुल है इस पे फिर से एक बड़ी गिरावट आया और कंपनी जो स्टॉक प्राइस है वो 90 रुपीज के आसपास आ चुका था। तो यहाँ पर आप फिर से बाय कर सकते, एक अपॉर्चुनिटी मिला था। यहाँ पर जब डिलिस्टिंग फेल हुआ तो कंपनी देख सकते हैं यहाँ पर जो कंपनी प्रमोटर्स है वो शेयर को खुद जो है ओपन मार्केट से बाय कर रहे हैं बल्क डील के जरिए, और कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ देखते हैं काफी तेजी देखने यहाँ पर मिला। 130 रुपीज के आसपास ही स्टॉक गिर करके आया था, वहां से एक ही दिन में जंप करके देखते हैं 165 तक गया। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन शेयर जब आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे के प्राइस पर मिल रहे हैं तो आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। जब आप इसका देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाते हैं आपको लंबे समय का, तो यहाँ पर देखिए इस ये जो स्टॉक होता है एक साइकिल में चलता है, एक डाउन साइकिल एक अप साइकिल। यहाँ पर देखते हैं जब आप साइकिल में ये स्टॉक गया था तो ये यहाँ से शेयर प्राइस 60-70 रुपीज़ से 400 तक गया था, और 400 से गिर करके फिर से ये स्टॉक जो है 120 रुपीज़ तक आ चुका था। 120 रुपीज़ से फिर से ये अपसाइकिल में गया और 300 रुपीज़ तक, और 300 से फिर से गिर करके आया देखते 58 रुपीज़ तक, और वहाँ से 58 से फिर से 360 तक गया। तो इस ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है मतलब इस सेक्टर के सारे स्टॉक में लगभग आप देखेंगे एक अप साइकिल होता है एक डाउन साइकिल में चलता है, तो इसका ये डाउन साइकिल था, डाउन साइकिल में 60 रुपीज़ तक का लो बनाया और यहाँ से आप कभी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ये दोबारा अपॉर्चुनिटी दिया 90 रुपीज़ पर, अगर आपने यहाँ पे भी बाय नहीं किया तो अब आप बाइंग करने के लिए अगर सोचते हैं तो फिर आपको स्टॉप लॉस के साथ बाय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नीचे के प्राइस पर बाय करते हैं स्टॉप लॉस लगाने का आपका कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक को ऊपर ही जाना है। और दोस्तों बता दें ये स्टॉक जो है 20 रुपीज़ तक का डिविडेंड देता है एक एक बार में, तो दोस्तों एक साल में 20 रुपये का डिविडेंड अगर आप 60 रुपीज़ पे अगर बाय कर लेते हैं, अगर 20 रुपीज़ का डिविडेंड दे देता है तो 3 ईयर्स में आपका सारा का सारा अमाउंट जो है रिटर्न और जो भी यहाँ पर गेन मिलेगा आपको वो एक्स्ट्रा होगा। तो इस तरह के बेहतरीन स्टॉक अगर आपको डाउन ट्रेंड में काफी नीचे के प्राइस पर मिलते हैं तो आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। और जैसे यहाँ पर ये 300 रुपीज ये मतलब जो प्रीवियस हाई है जो इससे पहले का हाई अपना बनाया है 350 रुपीज 360 रुपीज, अगर इसके आसपास जाता है इसके ऊपर जाता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, या आप अपने ऑल टाइम हाई जो इसका 480 रुपीज है उसका वेट कर सकते हैं। वहां तक का पोटेंशियल है इस स्टॉक में फिर से जाने का। अगर ये स्टॉक फिर से
अभी अपॉर्चुनिटी देता है आपको नीचे के प्राइस पर, तो जरूर बाय कीजिएगा। और बाय करके बस जस्ट भूल जाना है, जैसे ये अपना ऑल टाइम जो हाई है या कहें 360 रुपीज़ को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर बस स्टॉप लॉस को लगाना है 350 रुपीज़ के आसपास, और वेट करना है कि अगर ऊपर जाता है तो हम स्टॉक में बने रहेंगे, अगर नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरह का बहुत ही बेहतरीन, इसमें एक मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त करने का आपके पास मौका आता है कभी भी, मतलब नीचे के प्राइस में मिलता है स्टॉक, तो जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। साथ ही साथ डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है। अगर हम डिविडेंड की बात करें, अगर 10 रुपीज़ भी डिविडेंड देता है आपको, 100 रुपया से नीचे स्टॉक मिलता है, 10% का रिटर्न आपका सालाना इस तरह से हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।